नमस्कार। जब सिस्टम दायरे तोड़ता है और जब लोग सिस्टम तोड़ते हैं, जब हम और आप मनमानी करते हैं, कायदे तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो हर किसी की जुबान से सिर्फ यही निकलता है, ये तो हद हो गई। ऐसी हर बात हम अपने शो के जरिए उठाते हैं और पहुंचाते हैं उन लोगों तक जिन्हें तय करनी होती है हद। आज के शो की शुरुआत भी कुछ ऐसी खबर के साथ करने वाले हैं हम। महाराष्ट्र के भंडारा में कुछ लड़के घूमते हुए मैगनीज माइन तक जा पहुंचे, जहां के गार्ड्स ने उनके साथ जो किया है उसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाएगी। अमानवीयता का ये नजारा देखिए। सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में रेंगते कुछ युवक और उन्हें डरा धमका कर ऐसा करने पर मजबूर करते कुछ गार्ड। जानते हैं इन युवकों का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि ये महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मौजूद चिकला मैगनीज माइन के आसपास घूम रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स ने इन्हें देखा और देखते ही इन पर पिल पड़े। सड़क किनारे पहले तो इन्हें कान पकड़कर घुटनों के बल बिठाया गया और उसके बाद जमकर इनकी पिटाई की गई और इन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। जब इतने सभी मन नहीं भरा तो इन 12 लड़कों को मुर्गा बनाया गया और गोल गोल घूमने का फरमान सुनाया गया। घूमते हुए ये भी कहना था कि आगे से यहाँ कभी नहीं आएंगे। जब इन युवकों को अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया, हथियारों से लैस गार्ड्स सामने खड़े थे और इन लड़कों के पास चुपचाप उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। सवाल यह है कि अगर इन लड़कों ने इतनी बड़ी गलती की थी तो इन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया गया? लेकिन गार्ड्स तो शायद अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और फैसला ऑन द स्पॉट करने पर उतारू थे। जिन गार्ड्स पर माइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इतने गैर जिम्मेदार हैं, हैरानी है, ये तो हद हो गई।